अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर शुक्रवार को मदरसा अंजुमन इस्लामिया खूनीपुर के सभागार में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य बख्शीश अहमद वारसी की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पांडे ने विभाग में संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य बख्शीश अहमद वारसी ने कहा कि आयोग के द्वारा ये स्पष्ट किया गया कि अल्पसंख्यकों की जो समस्या है, चाहे वह जनपद स्तर की हो या प्रदेश स्तर की हो, उसके समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों द्वारा जो समस्याएं बताई गई, उनके समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई किए जाने के लिए निर्देश दिया। इस अवसर पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पांडे, शहर काजी मुफ्ती वलीउल्ला, सरदार बलबीर सिंह, इस्लामिया इंटर कॉलेज के प्रबंधक, प्रधानाचार्य, अध्यापक तथा अल्पसंख्यक समुदाय के अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य बख्शीश अहमद वारसी ने कहा, सबसे पहले तो आज इस अल्पसंख्यक बातें बताई और बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम 18 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण और उसके उपाय के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं। फिर भी उसके बाद हम उन योजनाओं का क्या प्रभाव है या उनको क्रियान्वित करने में क्या दिक्कतें हैं, इन सब की भी चर्चा पर चर्चा लगभग हर वर्ष हम इस दिवस को विशेष रूप से करते हैं। बड़े आज का दिन और महत्वपूर्ण हो जाता है क्या, बल्कि पूरे प्रदेश में अल्पसंख्यक योजनाओं में जो एक ऋण योजना का लोन योजना सुनी थी वो करीब 15 वर्षों से बंद थी, उसका आज फिर से एक बार शुभारंभ माननीय मंत्री जी द्वारा अल्पसंख्यक दिवस पर किया गया है। लखनऊ से मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है आपको यह सूचित करते हुए कि आज जो स्वीकृत हुआ है उसमें 19 लाभार्थी हमारे जनपद के लिए हैं। आज 19 लाभार्थियों को उस टर्म योजना के तहत हमारे जनपद के जो लाभार्थी हैं उनको उनके खाते में जो ऋण की धनराशि माननीय मंत्री जी ने वहीं से बटन दबा करके और उनके खाते में धनराशि पैसे की है। हम उम्मीद करेंगे कि कुछ लोग और आवेदन किए हैं या कुछ और आवेदन कर अभी भी उनका प्रोसेस में है। इस तरह की योजनाएं का लाभ पहुंचाना हम सब का, हम तो सर उस दायित्व को निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन आप सब भी यदि उसको अपने घर में या अपने मदरसे के माध्यम से और लोगों तक पहुंचाएंगे तो और लोग भी लाभान्वित हो सकते हैं। परंपरागत योजनाएं हमारी जो चलती है उसका लाभ भी अब काफी हद तक संख्या में मिल रहा है। अभी भी आप लोग उसमें प्रयास करें, जो स्कॉलरशिप स्कीम है बहुत से बच्चे नहीं पा पाते हैं, आप ही उस सोच हो सकते हैं कि आप उनके माध्यम से बच्चों उनके गार्जियन तक छात्रवृत्ति योजनाएं और उसके क्या प्रक्रिया है आप पहुंचा सकते हैं और उनको लाभान्वित कराने में आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। जितने बच्चे आप सभी की छात्रवृत्ति पाते हैं आप सबके सहयोग से ही पाते हैं, आप उनको मोटिवेट करते हैं, उनका आवेदन कराते हैं और फिर उनका डाटा फॉरवर्ड कराते हैं जिससे उनको धनराशि मिल जाती है। और जो समस्याएं आ रही है इस बीच आप लोगों ने काफी लोगों ने फोन पे भी फीडबैक दिया, कुछ लोगों ने डाटा का बताया साहब ये दिक्कत आ रही है ऐसे ऐसे कर लिया जाए तो उसको किया भी गया। सभी संस्थाओं को रजिस्टर कराते हुए जो भी पात्र बच्चे हैं उनको लाभ दिला दिया जाए तो इसमें आपका विशेष प्रयास होना चाहिए और बिना उस प्रयास के बिना आपके सहयोग हमारे माननीय सेक्रेटरी सदस्य महोदय जी उसमें आमंत्रित थे, आपको वहां जाना था, वहां के लिए बुलावा था, लेकिन जब हमको अनुरोध रखा गया तो उन्होंने कहा ठीक है हम वहां के बजाय हम अपने अपने घर में ही रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको लखनऊ जाना था, अपने घर में रह करके उस मतलब लखनऊ में जाकर अपने घर में रह करके और इस कार्यक्रम में प्रकार के हम सब उसके लिए मन प्रशिक्षण और अपने ख्याल तैयार करें। और मन पर बैठे हुए संपूर्ण नागरिक हमारे समाज अल्पसंख्यक दिवस है आज, ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है और क्या यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? ये अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है जो हमारे अल्पसंख्यक समाज में 7 जातियाँ आती हैं
मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध, इनके उत्थान के लिए हमारी सरकार ने तमाम योजनाएं लागू की हैं। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक समाज के लिए पहले टर्म लोन की व्यवस्था की गई थी और टर्म लोन दिए जाते थे, लेकिन 2007 में ये टर्म लोन बंद कर दिए गए। और इस बार भारत की सरकार ने अल्पसंख्यक समाज के लिए 572 लोगों को प्रदेश में, वो खास तौर से पूर्वांचल में, गोंडा, बलरामपुर, देवीपाटन, संत नगर, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, कुशीनगर, देवरिया आदि जिलों को उन्होंने 572 लोगों को सेलेक्ट किया है टर्म लोन के लिए। और उसमें लड़की एजुकेशन लोन के लिए भी, मैं खुद इसका साक्षी और गवाह हूँ। मेरा लड़का जब इंजीनियरिंग कर रहा था, मैं बड़ा प्रयास किया कि किसी तरह से टर्म लोन हो जाए और उसकी शिक्षा पूरी हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मुझे सीधे सीधे बैंक से लोन लेना पड़ा। लेकिन बहुत ही अच्छा है कि इस सरकार ने 2018 से ये नियम का, ये उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम को 50 करोड़ रुपया दिया है कि आप टर्म लोन के नाम पर, एजुकेशन लोन के नाम पर अल्पसंख्यक समाज के लोगों को दिया जाए। और हमारे ख्याल से गोरखपुर में भी टर्म लोन, हमारे अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी महोदय बता रहे हैं कि टर्म लोन 19 लोगों को यहाँ दिया गया है। एजुकेशन लोन अभी आपने दिया या नहीं दिया, इसकी मुझे खास जानकारी नहीं। प्रदेश स्तर पर एजुकेशन लोन के लिए भी इस बार हमारी सरकार ने पैसा अच्छा दिया है। कुछ जानकारियाँ दी गई योजनाओं के बारे में, क्या कहें जी? कुछ जानकारियाँ दी गई हैं अल्पसंख्यक दिवस पर। मतलब जानकारियां में बहुत चीज आती हैं, जो परंपरागत योजनाएं चल रही हैं उनकी जानकारी दी। हाँ, उनकी जानकारी तो परंपरागत पंपलेट, आप जो है पंपलेट तो है, ये अलग विषय है, लेकिन टर्म लोन है, एजुकेशन लोन है, ठीक है, और छात्रवृत्तियां हैं। मुझे एक बात कहने में गुरेज नहीं आता है, मैं उत्तर प्रदेश के उर्दू एकेडमिक में भी एजुकेटिंग मेंबर हूं, लेकिन मदरसे हमारे यहां बहुत चल रहे हैं, कम से कम 10 मदरसे हमारे एडेड हैं यहां, वहां छात्रवृत्ति मिलती है बच्चों को। और यहां के कुछ लोगों को मैंने कहा, जैसे आपके रसूलपुर के लोगों को हमने कहा वहां मदरसा चलता है, हमने कहा भाई हम फार्म ले आए हैं, आप लोग फार्म भर के फॉर्मेलिटी पूरी करके वहाँ भेज दी, हम वहाँ से कराएंगे। वो सुविधाएं हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो उन सुविधाओं का लाभ हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना भी है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में, उर्दू एकेडमिक डिपार्टमेंट भी हमको देता है छात्रवृत्ति, तो ये सब चीज़ें हैं।